ये सृष्टि में कुदरत ने एक मानव योनि को मानव शरीर में एक ऐसी अदृश्य के रूप में शक्ति दिया है जो पंच तत्वों के शरीर में होती है, जिसका शरीर में कहीं स्थान नहीं है और उनकी खुद की भी कोई ऊर्जा नहीं होती है, फिर भी सारा शरीर का संचालन, स्थूल जगत का संचालन और सूक्ष्म जगत का संचालन वही अदृश्य रूप में रही हुई शक्ति करती है, जिसका नाम मन है। ऐसा भी कहे कि मन के हारे हार है, मन हार गया तो हम हार गए, और मन के जीते जीत है। मन मक्कम रहकर आगे बढ़ा, मन जीत गया तो हमारी जीत है। मन से काम करने की इच्छा शक्ति हो तो तन की विकलांगता कभी आड़े नहीं आती। अपना तन में कोई अंग विकलांग वाला होवे तो भी वो विकलांग वाला अंग शरीर में कभी आड़ा नहीं आता, बीच में कभी रुकावट नहीं होता, लेकिन मन की इच्छा करने की शक्ति होनी चाहिए। ये मन और तन दोनों शरीर से भी जुड़ा है मन और आत्मा से भी जुड़ा है मन। ऐसे तो हम सभी बातें करते ही है कि हमारे पेट के खड्डा पूरने के लिए हमको ये सब करना ही पड़ता है, हम सभी बातें करते हैं व्यावहारिक जगत में, बातों बातों में भी बातें करते हैं, लेकिन ये मन का पेट कितना बड़ा है, मन का पेट कभी भराता ही नहीं है। मन का पेट कितना बड़ा है वो भी कहा जाना मुश्किल है। असल में तो तन की बात ही नहीं है, शरीर तो सिर्फ मन के संचालन में, मन के द्वारा इंद्रियों का संचालन करके ये शरीर का संचालन जरूर करता है मन, लेकिन मन के बिना ये शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। सारा ये सृष्टि में सारा कारोबार मन का ही है, सूक्ष्म जगत के लिए भी और स्थूल जगत के लिए भी सारा कारोबार मन का ही है। तन की मांग यानी कि शरीर की मांग कितनी है, 3 से 4 रोटी ही मांगता है शरीर, तो इससे ज्यादा नहीं मांगता है, लेकिन बिल्कुल टूकी मांग है तन की, शरीर की। लेकिन मन तो मांगता है, बहुत कुछ मांगता है, भोजन में भी 56 प्रकार का पकवान मांगता है, स्वादिष्ट भोजन मांगता है, एयर कंडीशन कमरा मांगता है, धन मांगता है, मान पद मोभा मांगता है, क्या क्या मांगता नहीं है यही सोचने की बात है मन। गाड़ी मांगता है, 4-व्हील मांगता है, सभी कुछ मन ही मांगता है, तन ये सभी चीजें नहीं मांगती कभी। तन तो 2 कपड़ों में ही राजी है, तन के ऊपर 1 वस्त्र पहना दो ना तो तन यानी के शरीर के ऊपर 1 वस्त्र पहना दो तो तन तो शरीर तो खुश ही है, तन को और ज्यादा नहीं चाहिए। तन की अलमारी बड़ी भी नहीं है,
तन का पेट एकदम टूका ही है, शरीर का पेट एकदम टूका है, लेकिन मन को तो अलमारी भी कम है। इसको तो बड़े से बड़ी अलमारी चाहिए मन को। तो नींद आने की तैयारी होवे तो तन को तो पत्थर से भी कोई परहेज नहीं है, लेकिन मखमा पत्थर के ऊपर भी, खटिया के ऊपर भी, सेटी के ऊपर भी मखमली बिस्तर मन को ही चाहिए, गद्दिया तकिया वो मन को ही चाहिए, शरीर को नहीं। शरीर को तो सोने के लिए जमीन पर भी सो जाता है, लेकिन मन को आलीशान हवेली चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए। तन यानी कि शरीर दो रोटी खा कर भी कहता है कि बहुत हो गया, लेकिन मन तो अभी कहता है कि अभी तो शुगर है, तन को मीठा नहीं चलता, लेकिन मन कहता है ले लो ने, बाद में दवा ले लेंगे। तन कहे नींद लो, मन कहे कुछ देर तो रुको। तन को कष्ट ना हो मन सीखे ही मारता रहता है। ऐसा ये हमारा मन हमको नचाता है, सीखे मार मार कर नचाता है। शरीर कभी अधिक ज्यादा नहीं मांगता है, लेकिन मन है कि हम कम में तो मानता ही नहीं है, उसको कोई चीज छोटी या तो कम चलती नहीं है। अपना मृत्यु आता है तो कहीं शरीर थोड़ा उनका विरोध करता है, शरीर कभी विरोध नहीं करता अपने मृत्यु का, लेकिन मन उसके बचाने के लिए कई कई प्रकार का उपाय खोजता है। इस शरीर को कैसे बचाया जाए इसके उपाय में ही मन सोचता है। शरीर कभी मृत्यु को रुकावट नहीं बनता है, मृत्यु में रुकावट तो मन ही बनता है। ये पांच तत्वों का शरीर जो बना है वो शरीर कुछ नहीं मांगता है। पांच तत्व के शरीर में मार्फत से साधन से क्या होगा, हम कोई भी साधन करेंगे तो क्या है, लेकिन मन तो 25 से बने मन को भी साथ लो, तन को लो, लाख बार छूट भी नहीं मिलता, लेकिन मन से छूटो तब बात है। 5-25 तत्वों से मन छूट जावे तो बहुत बड़ी बात बन जाती है, वो मन के अधीन ही है। मन एक विचारों का संग्रह, उसे विचारों का संग्रह को ठीक करना वो अपने बस की बात नहीं हो जाती है। तो भी ये हमारे शरीर और परमात्मा के बीच की कड़ी मन ही है। ये मन से दुखी है और मन से ही सुखी है, और परमात्मा से अनुभूति करने का, परमानंद का आनंद लेने का वो भी मन से ही है। यही कारण से तो कुदरत का एक नाम मनमोहन भी कहा गया है। मन को परमात्मा के अनुभूति में के लिए जो जोड़ देवे तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कभी। हमारा शरीर जल जावे, भस्म हो जावे, पूरा पंच तत्व का शरीर और सारी इंद्रिया भी जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, फिर भी मन तो इसमें जलता नहीं है। मन तो मुर्दा छोड़कर भाग जाता है। जब इस शरीर को जलने की बारी आती है, शरीर को भस्म होने की बारी आती है, तब मन तो
शरीर छोड़कर भाग जाता है, शरीर को साथ कभी मन ने दिया नहीं है। शरीर सलाता जरूर है, फिर भी वो शरीर का साथ नहीं देते हैं। तो भी हम ने कभी मानवों ने मन के बारे में कभी हमने विचार ही नहीं किया। हम तो हमारे शरीर के बारे में ही विचार करते रहते हैं और कुछ हम सोचते ही नहीं है कभी कि मन क्या है, शरीर क्या है, बुद्धि क्या है। ये सभी हमें थोड़ा सोचना भी चाहिए, फिर भी हम कभी नहीं सोचते हैं। अगर मन के बारे में और शरीर के बारे में हमने सोच लिया तो थोड़ा प्रकृति का रहस्य हमको जानने जरूर मिलता है और मिलेगा भी, लेकिन इसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि शरीर, मन और आत्मा तीनों अलग है कि एक है, कि दो एक है, कि तीन एक है। इसके लिए थोड़ा हमें मनन मंथन जरूर करना पड़ेगा, तब हमें मालूम होगा कि मन क्या है, शरीर क्या है और आत्मा क्या है, इंद्रिया क्या है। किसको वश में लेने से, किसी को मजबूर करने से हमारी सारी क्रिया प्रतिक्रिया पॉजिटिविटी धारण करते हैं। ये थोड़ा हमें गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, मन की गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा।